सबसे पहले मैं लगवा रही हूँ अपने मेहंदी। अभी प्राची ने स्टार्ट ही किया है मम्मी ये मेहंदी लगाना। और गाइस ये देखो बुआ ने भी लगवाई है, लेकिन बुआ तो भाई लेट गई है। क्या बात कर रही हो? ये मैं वीडियो बना रही हूँ बात। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैंने ना मम्मी और बुआ को बिग सरप्राइज दे दिया। क्या 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 क्या? सुबह 5 बजे उठ के मैं सुबह दौड़ लगाने गई थी। वाओ। और मम्मी और बुआ सोच रहे आज इसको क्या हो गया, आज इसमें भूत आ गया लग रहा है। मैंने सोचा सनी जल्दी कैसे उठ गई। हाँ। वैसे तो सो के नहीं उठती। हाँ। हमें इतनी जल्दी उठ के मेरी पारक कैसे चलेगी दौड़ लगाने के लिए। लेकिन आज क्या सोची सोनू भैया जिम गए थे, मैं दौड़ लगाने गई थी। तुम दोनों जाओगे साथ में? क्योंकि मैंने सबसे पहले उसको उठे हुए देखा था। जाएगा मूवी देखने? चल रहा है क्या मूवी देखने? चलेगा मूवी देखने? अबे सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो भाई, सुबह सुबह गाइस। भैया सही में जा रहे हैं वंश और मम्मी, सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं गाइस। वैसे एक बात तो है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो जो मूड होता है ना वो फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ ना जल्दी से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से खुशी हो रही है। miracle, miracle! क्यों इतनी बड़ी रात होती है? रात को मैं 4 बार उठी पापा से पूछे, मैंने 12 बार मिट्टी के तेल पे डाल के स्प्रे करा पूरे घर में, इतना मच्छर था। मैं रात को उठ के बैठ मच्छर मारती हूं गाइस। आज मम्मी ने रात में बैठ के ना रात को मच्छर मारे हैं। और आज मेरे बदले का प्राची कर रही है काम। गाइस मैं तो नहा के फ्री हो गई हूँ। और गाइस अभी ना हम सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहे थे, इसने ना आज ही सुबह ही अपलोड किया है। गाइस ये ना मेले में गए थे, इनके यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है हल्द्वानी में। और भाई देख के इतना मजा आ रहा है ना, वंश और मैं इतना खुश हो रहे थे मेला देख के। ये देखो गाइस ये ना बड़ा वाला झूला झूल रहे हैं। मेले में वो भी नई भी चीज आई है। क्या मेले में नई भी चीज आई है? क्या आई है? एक बड़ा सा पॉट बना हुआ है, उसमें बहुत सारी फिशेस होंगी। फिश टैंक? हाँ बहुत अच्छा बड़ा। इस बार लगी है क्या? डॉल फिश आएगी उसमें, मतलब इस बार अलग ही मेला लगा है हमारे यहाँ भी। जरूर जाएंगे इस बार तो। है जरूर जाएंगे। मम्मी कब लेके चलोगी मेले? जन्माष्टमी पे। और गाइस कल है रक्षाबंधन, तो आज हमें मम्मी मेरे को और बुआ को हम सबको ना मेहंदी लगवानी है। गाइस सबसे पहले मैं लगवा रही हूँ अपने मेहंदी, ये देखो। और मम्मी के प्राची लगा रही है क्योंकि प्राची को भी आती है, ये देखो। अभी प्राची ने स्टार्ट ही की है मम्मी की मेहंदी लगाना। और अभी बुआ बैठी हुई है, अभी बुआ के भी लगा देगी प्राची। और भाई पीछे अम्मा इतनी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, खराटे मार रही है अम्मा। हाँ लग गई है। और भाई मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगी है, तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करूं क्योंकि मेरी मेहंदी गीली है अभी तक, तो सूखने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और गाइस ये देखो बुआ ने भी लगवाई है, लेकिन बुआ तो भाई लेट गई है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक गए हम। और देख लो भाई बुआ और मेरी मेहंदी। अरे बड़ी मम्मी आ गई है भाई, ये देखो मम्मी के नहीं लगी ना, मम्मी कहेंगे तू लगा दे मेरे। इधर आओ गाइस, मम्मी बहुत लेट हो गई, अभी अभी मेहंदी लगवा के हटे हैं। मैंने सुना कि आज तुम नानी के घर जा रही हो। हाँ। अच्छा अभी से तैयार हो जाए। गाइस दीदी ने मेरे से बोला था नींबू लगाने से ना मेहंदी काली हो जाती है, और मैं नींबू लगाने बैठ गई भाई। और नींबू जैसी लगाया ना दीदी ने, मेरे ऐसा लग रहा है जैसे लाल चींटियां चिपक गई, मेरी इतनी खुजली हो रही है भाई बहुत ज्यादा। खुजली मच रही है।
गाइस मैंने तो अपने मेहंदी लगवा ली है और बुआ ने भी लगवाई थी, लेकिन बुआ ने ना जल्दी से हटा दी क्योंकि बुआ को काम करना था। दिखाना बुआ, देखो बुआ की रची भी नहीं है, बुआ ने जल्दी से हटा दी क्योंकि बुआ को काम करना था और मैं तो भाई फ्री हूँ, सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है। वो भी कोई और कर देगा थोड़ा सा। हाँ, राची ने कैमरा पकड़ रखा है। शाम के 6 बजने वाले हैं और मम्मी और पापा तो आज ही जा रहे हैं नानी के घर पे क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो मम्मी आज ही जा रही है और कल मम्मी जल्दी आ जाएंगी वापस नानी के घर से। वैसे तो बोल रहे हैं वो जो राखी की जो पूजा होती है ना वो होगी सुबह 5:30 बजे तक है और उसके बाद ना 1 बजे के बाद स्टार्ट होगी। तो मम्मी कब आओगी फिर? 1 बजे के बाद स्टार्ट होगी। मम्मी से ज्यादा पापा को लग रही नानी के घर जाने की और हमें छोड़ कर जा रहे हैं अभी तो। पापा को बैठ गया अपनी मंडली जमानी है खाना तो खा सकते हैं नानी के घर पे, पापा के तो वेट कर रहे हैं। तो मम्मी और पापा जा रहे हैं नानी के घर पर। मम्मी कल जल्दी आ जाना ठीक है, हमारा मन नहीं लगेगा वरना। चलो बाय गाइस, मम्मी और पापा तो जा रहे हैं नानी के घर। अम्मा क्या खरीद के लाई हो? क्या खरीद के लाई हो? सोने रखते हैं ना। अच्छा गाइस ये देखो अम्मा ना ये सामान लेकर आई हैं, इसे कहते हैं गेरू। ये इनका भोग लगेगा, इसका भोग लगेगा। और ये जो राखी है ना ये ना बाहर गेट पर लगाते हैं। तो कब करनी है वो पूजा? देर से बता रहे हैं पंडित जी तो है नहीं, एक से पूछा मैंने तो वो 2 बजे बता रहे। अच्छा 2 बजे के बाद होगी। यहाँ पर हमने नाग बनाए थे ना तो आज अम्मा ने ये मिट्टी लगा दी है यहाँ पर ना, कल राखी पूजी जाएगी जिसको बोलते हैं सोना पूजा जाएगा। सब बोल रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे तक है और दोपहर में जब राखी का टाइम होगा ना पूजा का वो 1:30 बजे के बाद है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, तो अम्मा अभी पंडित जी से पूछ कर आएंगे कि राखी की पूजा कल कितने बजे तक होगी, जो यहाँ पे सोना पूछते हैं वो पूछ कर आएंगी। तो बुआ भी वही बात कर रही है, ये देखो कैसे बैठ कर बात कर रही है। देखो क्या बात कर रही हो? ये मेरी वीडियो बना रही है, बात कर रही हूं। बुआ से बात कर रही हो? हाँ, बुआ पूजा के लिए पूछ रही है। सब पूजा के लिए टाइम पूछ रहे हैं। हाँ, कितने बजे से बता रहे टीवी में? टीवी में देखना पड़ेगा, 1:30 बजे के बाद। गाइस ये देखो अम्मा और मम्मी भी यही बात कर रहे हैं। और गाइस आज मम्मी बना रही है भिंडी, वो भी लंबी लंबी काट के। मम्मी पता है तुमने जब पहले बनाई थी ना ये भिंडी लंबी लंबी, तो पता है कैसी लग रही थी? जैसे हम अचार खा रहे हैं, इतनी टेस्टी। ऐसा मन कर रहा था कि मैं रूख ही खा लूं। हाँ सच में। अच्छा? मेरे को ना ये वाली गाइस, मेरे को ना ये वाली लंबी वाली ना भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मम्मी ने बनाई ना इतनी अच्छी लगने लग गई। तो आज इसकी रेसिपी दिखाएंगे मम्मी। तो मम्मी ने ये ले रखी है प्याज और हरी मिर्च डलेगी इसमें। तो मम्मी ने सारी भिंडी भी काट ली है और प्याज और हरी मिर्च भी काट ली है। तो अब मम्मी भिंडी को छोकेंगी। तो कढ़ाई में तेल डाल दिए गर्म होने के लिए। सबसे पहले डाली है प्याज और हरी मिर्च, और हरी मिर्च मम्मी ने ना साबुत डाली है, मतलब सिर्फ 2 फांक करके। ये देखो इसको ना अब अच्छी तरह से भूनना है हमें, जब तक प्याज है ना ब्राउन ना हो जाए जब तक भूनना है। और यहाँ पे ना मम्मी कटोरी में ये देखो मिर्च मसाले निकाल के रख रही हैं। तो पहले मम्मी ने इसमें हल्दी और मिर्च, ये क्या है मम्मी? सूखा धनिया। तो प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, भुन गई है अच्छी तरह से। अब मम्मी इसमें डालेंगी मसाले, हल्दी मिर्च और सूखा धनिया। और गाइस खुशबू आ रही है मस्त वाली। तो अब मम्मी इसमें डाल रही हैं भिंडी, और भाई खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका बनने तक वेट करना है हमें भिंडी का। कितना टाइम लगेगा मम्मी? 10 मिनट बन जाएगी थोड़ी देर में। हैं? ज़्यादा टाइम नहीं लगता भिंडी में, भिंडी तो बहुत नहीं, ये गलती है ना, भाप सी हो जाती है। मम्मी हम प्लेट ढक देते हैं ना ऊपर से। हाँ। अब ऊपर से मम्मी डाल दी है इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक।
और गाइस मुझे तो कल का इंतजार है, कल है रक्षाबंधन, कल हमारे घर पर आएंगी बुआ, आएंगी काजल दीदी, आएंगी शिल्पा दीदी, आएंगी आलू का पराठा आएगा, बाबू आएगा और भाई सब हम सारे बहनें मिलकर भाइयों की राखी बांधेंगी। भाई कल बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो कल का वेट है बस, तो बहुत मजा आने वाला है। और गाइस कल हमें और भी जल्दी उठना है क्योंकि कल घर में मेहमान आएंगे और मेरे जो दादा है ना उनकी जो छोटी वाली बहन है अम्मा जो हमारे घर पर आती है वो भी अम्मा भी आएंगी अम्मा की राखी बांधने, तो सुबह जल्दी उठना है। गाइस अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।